हाय फ्रेंड, टुडेज टॉपिक इज रोलिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑन अ प्लेन सरफेस इन टर्म्स ऑफ यूलर्स एंगल। दिस इज एंगल फाइ, दिस इज एंगल थीटा। इट इज रिटन इन द पोलर फॉर्म वेयर रो इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बीटा इज इक्वल टू रो ई आई स्क्वायर पी स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ रो ई आई स्क्वायर पी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटीज इन थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रूट अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इन समेशन ई आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई, जीरो टू टू पाई, जीरो टू इन्फिनिटी रो ई टू द पावर माइनस रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई डी थीटा डी एक्स डी वाई जेड इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। बाउंड्री कंडीशन आर रो इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, थीटा इज बिटवीन जीरो एंड टू पाई एंड फाई इज बिटवीन जीरो एंड पाई। वी गेट ई टू द पावर आई स्क्वायर रो स्क्वायर बाई यूजिंग एक्स वाई प्लेन। बीटा वन इज इक्वल टू मोड ऑफ रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ई आई थीटा। Using XYZ space, we get beta 2 is equal to rho mod of rho EI rho. Then using beta 2 to make it a perfect because it is in the form of beta 2 is equal to root over X square plus Y square plus Z square EI rho. We square it. We get beta 2 square is equal to beta is equal to rho E square I square P, rho square. Thanks friend, if you like my video, please like and subscribe. It also send feedback, also comment the topic you want to know in detail. Thanks.